भाजपा का रणनीतिक दृष्टिकोण, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द आने की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा फरवरी के अंत तक अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तैयारियां कर रही है। इस प्रारंभिक सूची में लगभग 100 नाम शामिल होने की उम्मीद है। रणनीति से उन निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां पार्टी को 2014 और 2019 के चुनावों में असफलताओं का सामना करना पड़ा था। इस पहली सूची में भाजपा का प्राथमिक जोर पिछले दो लोकसभा चुनावों के दौरान हारी हुई सीटों पर होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पार्टी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है, जहां उसे हाल के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाजपा द्वारा एक सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण अपनाया गया है। रणनीतिक योजना के लिए लगभग 160 सीटों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। ये सीटें जहां भाजपा को या तो हार का सामना करना पड़ा था या फिर मामूली जीत हासिल हुई थी। पिछले एक साल से जांच के दायरे में है। पार्टी ने जमीनी कार्य की निगरानी के लिए क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति की है। चिन्हित की गई 160 सीटों में से लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और जल्दी ही इनके नामों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। पहली सूची जारी करने में भाजपा का सक्रिय रुख हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में अपनाई गई सफल रणनीति के अनुरूप है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए चुनावों में भाजपा ने अपने प्रतिद्वंदियों से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिससे प्रचार प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होने से दावेदारों को प्रभावी अभियान रणनीतियों के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे टिकट आवंटन के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। यह रणनीति कदम हाल ही वर्षों में भाजपा की चुनावी रणनीति में एक निरंतर प्रवृत्ति रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने देश भर में छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया है। 80 लोकसभा सीटों वाले महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पश्चिमी स्तर पर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल RLD के साथ गठबंधन किया है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए जहां भाजपा ने 303 सीटों और रिकॉर्ड 37.36% वोट शेयर के साथ प्रभावशाली जीत हासिल की है, पार्टी अब ऊंचे लक्ष्य रख रही है। जम्मू कश्मीर के हाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा की है और आगामी चुनावों के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। जनता से आग्रह किया है कि वह भाजपा को उल्लेखनीय 370 सीटें हासिल करने में मदद करें, साथ ही राज्य का विस्तार करने की आकांक्षाएं भी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संख्या 400 के पार है। उम्मीदवारों की समय पर सूची जारी करने और रणनीतिक गठबंधन के साथ भाजपा की चुनावी रणनीति 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने और विस्तार के उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।